अस्सलाम वालेकुम। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं हॉट मिल्क टी केक, जो कि खाने में काफ़ी मज़ेदार और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होने वाली है। अगर आप उन्हें बनाकर ये टिफ़िन में देंगे तो काफ़ी सॉफ्ट स्पंजी केक बनाने की बहुत ही ईजी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 2 अंडे। तो 2 अंडे हमने यहाँ लिया है। जिन्होंने अंडे नहीं खाते हैं, मतलब जो नग्न अंडे नहीं खाते हैं, उन वो अपने में क्या ऐड करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कोई भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपके केक ख़राब हो सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर चीनी की डालेंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैंने चीनी डाले हैं, 2 अंडे लिए हैं। अब इनको ना अच्छे से फेंट लेनी है। हमने यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया ताकि जल्दी से बन जाए। हैंड बेस्कर से भी आप बना सकते हैं, आपका केक भी वैसे ही बनेगा। और यहाँ देख सकते हैं फेंटते हुए हमारा जो अंडे और चीनी का जो मिक्सचर है वो काफ़ी फ्लफी सा हो गया है, कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल के डालने हैं। तो हमने सभी चीज़ 2-2 चम्मच के लिए हैं, ठीक है। तो आपने भी वैसे ही एक चीज़ ले लेनी है और उसी हिसाब से आपने इसमें मिलाना है सारी चीज़ें। तो अब यहाँ क्या करना है, अब हमें ड्राई मिक्सचर तैयार करना है। ड्राई मिक्सचर के लिए हमने यहाँ ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा का लिया है। आपने व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं के आटे से भी बनाना है तो आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा कलर में स्लाइट चेंज होगा, वरना टेस्ट काफ़ी अच्छा वैसे भी होगा। तो अब यहाँ पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमें डालना होगा। तो 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच हमें बेकिंग सोडा डालना है। तो ये दोनों सोडा आपने डालना ज़रूरी है, कोई इनो का यूज़ नहीं कीजिएगा। तो ये दोनों सोडा आपने रखना है, अगर केक वगैरह बनाते हैं तो आप ये दोनों चीज़ें रख लें घर पर और बनाते रहें। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा ना फ्लफी सा हमें केक बनाकर रेडी करना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत होगी। तो चलिए यहाँ से फेंटना शुरू करते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा फेंटते जाना है, और क्या करना है ना, एक ही साइड आपने घुमाना है। मतलब आपको अगर व्हिस्कर से आप घुमा रहे हैं तो आपको 1 साइड में ही आपने इस तरीके से घुमाना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका केक का जो बैटर है ना काफ़ी फ्लफी सा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ काफ़ी बढ़िया सा मिक्सचर हमारा रेडी हो रहा है। अब हॉट मिल्क केक बना रहे हैं तो उसमें हॉट मिल्क डालना होगा। तो क्या करना है, उसके लिए पैन को हीट करना है। उसमें 1 टेबल स्पून आपको अनसॉल्टेड बटर डालना है, अगर आपके पास सॉल्टेड है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब 1/2 कप हम यहाँ दूध डाले हैं और उसके बाद इसे गर्म करने देना है, मेल्ट होने दें बटर को। तो हमारे यहाँ बहुत ही टेस्टी वाला बटरी मिल्क रेडी, बिल्कुल रेडी हो चुका है। हल्का सा ठंडा होने दें और उसके बाद इसे ना डालते जाएँ तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही मतलब आप जब एक बाइट लेंगे ना तो कितना मज़ा आने वाला है। केक बहुत ही टेस्टी था, मेरा खुद का बेबी है वो बहुत ही मज़े में खाया है वो। तो ये आप बना कर दें बच्चों को तो काफ़ी मज़ा आएगा उन्हें। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी स्पंजी सा सॉफ्ट सा बनेगा और कलर बहुत ही प्यारा आएगा। मैंने कोई सा भी कलर ऊपर से नहीं ऐड किया है। तो अब यहाँ क्या डालना है, रेजिन्स। मैंने यहाँ 12 से 13 किशमिश के डाले हैं। तो अगर आप टूटी फ्रूटी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर ब्लैक किशमिश आप वो भी डाल सकते हैं। सो अब यहाँ डालेंगे हम वनीला एक्सट्रैक्ट यानी कि 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। तो वनीला एसेंस सभी के घर में होता ही है, आप रख लें, केक बनाते हैं अगर हैं तो आप उसे रख लें घर पे, तो इसे महक काफ़ी अच्छी आ जाती है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जो लोग अंडे नहीं खाते हैं वो क्या डालें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, 1 कप आप दूध ले लें हल्का गर्म और उसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करके उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दें हल्का सा, और उसके बाद इसे इस बैटर का फॉर्म पे आप लाते लाते आप इसे घुमाते घुमाते इस कंसिस्टेंसी में ले आएँ। आपका बैटर इसी तरीके का होना चाहिए। हमारे बैटर का कलर अंडे की वजह से हुआ है इस तरीके का। चलिए अब हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। मोल्ड तैयार करने के लिए आपका कोई सा भी शेप हो आप वो कर सकते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल ये वाली शेप है, तो स्क्वायर है अगर आपके पास और भी अच्छी बात है। तो उसे क्या करना है, बटर पेपर आपने डाल देने हैं और चारों साइड ना आपको डस्टिंग कर देनी है मैदा से। तो आप चलिए बैटर को हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो बैटर जब हम यहाँ डाल रहे थे ना तो शामिर पीछे से आया और इस तरीके से मुझे हिला दिया, तो ये थोड़ा सा बैटर इधर उधर हो गया। तो ध्यान देकर करें ये चीज़ें, वरना आपका जो बैटर है वो बर्बाद हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ जैसा हुआ थोड़ा सा। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता जाता है। तो अब क्या करना है, अच्छे तरीके से चारों तरफ हम ये कर देंगे, क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद इसे थोड़ी सी टैप कर देनी है ताकि बबल्स ना रहें अंदर में। और अगर 1-2 बबल्स आ भी जाएँ तो कोई बात नहीं, आपका केक वैसे ही फ्लफी बनने वाला है। तो अब क्या करना है, बेकिंग प्रोसेस हमारी है, प्री हीट कर देंगे कुकर को 5 मिनट के लिए। अगर आप कुकर में नहीं बनाते कढ़ाई में भी यही आप प्रोसेस करना है। और उसके बाद आपने 10 मिनट तक आपको हाई फ्लेम में बनाना है कुकर की ढक्कन लगा कर, और उसके बाद 25 मिनट के लिए लो फ्लेम में करना। मैं यहाँ सारी चीज़ें लिख भी दूँगी। और अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको
विसल हटा देना है, यानी कि आपको कुकर की सीटी है ना उसको साथ उसको नहीं बनाना है। कुकर की सीटी हमेशा निकाल के से आपने जिस तरीके से बंद करते हैं ना कुकर को, वैसे ही बंद कर देनी है। और अब यहाँ पे हाई फ्लेम मैंने कर दिया है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम लो फ्लेम में 25 मिनट के लिए कर देंगे। तो लगभग 35 to 40 मिनट्स आपको लगने हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है तो आप इसे नाइफ से चेक कर सकते हैं कि पका है कि नहीं। यहाँ हमारा बिल्कुल पक्कर तैयार हो चुका है और थोड़ी सी दरारें आई हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो चलिए अब इसे डिमॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप जब भी आप प्रिपेयर करते हैं ना अपने टिन को, तो यहाँ देख सकते हैं इसी तरीके से करें, बहुत ही ईजिली बिना मशक्क़त के आपके निकल कर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं निकल गया बहुत इजीली हमारा केक, और काफ़ी फ्लफी, और कलर आप देख सकते हैं खुद की कितना बढ़िया सा कलर आया है, और बहुत ही प्यारा सा एक टेक्सचर आया है, आप खुद देख लें, बहुत ही स्पंजी सा। यहाँ हमने हाफ बैटर डाला था और अब ये डबल से भी ट्रिपल हो गया है। अभी इसे काट लें, अच्छी तरीके से स्लाइसेस कर लें, आपको जितनी बड़ी स्लाइसेस रखनी है आप स्लाइस कर लें, क्योंकि क्या है ना कि जब आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप छोटे छोटे स्लाइसेस कर लें। अब यहाँ देख सकते हैं हमने जो स्लाइसेस किए हैं काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, कलर भी काफ़ी प्यारा आया है बाहर से भी और अंदर से भी, और दानेदार सा आपको दिख रहा होगा। तो जैसा आप मार्केट में जैसे आपको केक मिलते हैं ना वो देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पर केक दिख रहा होगा। तो आप भी इसे बनाकर घर पे सभी को खिलाएं, बच्चों को टिफ़िन में आप इसे तैयार करके दे सकते हैं। बाहर के केक से अच्छा तो आप घर पे ही तैयार कर ले, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी सा हॉट मिल्क केक तैयार है। अगर आप इसे टी के साथ लेना चाहते हैं आप खा सकते हैं, या तोड़कर मैं दिखा देती हूँ, काफ़ी अंदर से भी पक चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और मेरे नए चैनल को जरूर से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अल्लाह हाफिज़।